हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एंड इंस्टा। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एम्ब्रेन वॉइस इयोन प्रो स्मार्ट वॉच वर्सेस बोट स्टॉर्म काल स्मार्ट वॉच के बारे में। इन दोनों स्मार्ट वॉच की फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन से स्मार्ट वॉच सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाती है, क्योंकि इनकी प्राइसिंग में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों आपको सेम प्राइस पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिकेशन में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो आपको कौन सी परचेस करनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेस्ट हो जाएगी, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूं। तो आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये दोनों स्मार्ट वॉच आपको रेक्टेंगुलर डायल शेप में देखने को मिल जाएंगी, साथ ही साथ में सर्कुलर टैप नेविगेशन बटन का सपोर्ट जो है दिया गया और सिलिकन का स्टेप जो है यूज किया गया। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों आपको सेम डिजाइन में देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो एम्ब्रेन वॉइस इयोन प्रो स्मार्ट वॉच में आपको 1.85 इंच की लूसी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसका पिक्सल 240x280 का दिया गया, साथ ही साथ में 550 का निटपिक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाएगा और उसी के साथ 100 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस का सपोर्ट जो है दिया गया है। जबकि वही बात करें बोट स्टॉर्म काल स्मार्ट वॉच के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 1.69 इंच की एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और इसका भी पिक्सल सेम दिया गया, 240x280 का दिया गया और इस स्मार्ट वॉच में भी आपको 550 का निटपिक ब्राइटनेस का सपोर्ट जो है मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको 70% आरजीबी कलर गोमेट का भी सपोर्ट जो है मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा फीचर यहाँ पे निकल कर आ जाता है। तो देखा जाए डिस्प्ले साइज और क्वालिटी में कौन सी बेस्ट होती है, तो कहीं कहीं एम्ब्रेन वाइज इयोन काफी ज्यादा बेस्ट हो जाती है, क्योंकि बड़ी डिस्प्ले भी मिल जाएगी और 550 का निटपिक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाएगी। बस इसमें क्या है कि 70% आरजीबी कलर गोमेट का सपोर्ट जो है नहीं दिया गया। बात करें इन दोनों स्मार्ट के मेन हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, यानी कि ब्लूटूथ कॉलिंग के बारे में। तो इन दोनों स्मार्ट वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर जो है दिया गया, यानी इनबिल्ट माइक, स्पीकर, डायल पैड, कॉन्टैक्ट सेव, कॉल हिस्ट्री का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। यानी आप अपनी स्मार्ट वॉच से ही कॉल पे बात कर सकोगे इन दोनों स्मार्ट वॉच में। और हेल्थ फीचर के बारे में बात करें तो इन दोनों में आपको SpO2 का सपोर्ट मिल जाएगा, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप और उसी के साथ साथ ब्रीथ मोड का सपोर्ट जो है दिया। और फ्रेंड्स, बात करें इनके स्पोर्ट्स मोड के बारे में, तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। एम्ब्रेन वॉइस इयोन प्रो स्मार्ट वॉच में आपको 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, जबकि बोट स्टॉर्म काल स्मार्ट वॉच में आपको मल्टीपल एक्टिव स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10 से 20 या 30 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। और दोनों ही स्मार्ट वॉच में IP68 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिल जाएगा, 7 to 10 डेज का नॉर्मल बैकअप आपको दोनों स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे ब्लूटूथ कॉलिंग को हैवी यूज करे हो तो एक दिन का यहाँ पे बैकअप निकल कर आ जाता है। बाकी कॉमन फीचर के बारे में बात करें तो स्मार्ट फीचर और स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट का सपोर्ट आपको दोनों स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाएगा, यानी सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है अपनी वॉच पे ही देख सकोगे, कैमरा भी कंट्रोल कर लोगे और म्यूजिक को भी कंट्रोल कर लोगे, साथ ही साथ में वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट जो है दिया गया। और यहाँ पे एम्ब्रेन वॉइस इयोन प्रो स्मार्ट वॉच में आपको 3 इनबिल्ट गेम का सपोर्ट जो है मिल जाएगा, साथ ही साथ में इन दोनों स्मार्ट वॉच में आपको गूगल फिट और एप्पल हेल्थ का भी सपोर्ट जो है दिया गया। तो ये कुछ फीचर मिल जाएगा इन दोनों स्मार्ट वॉच में। प्राइस बताते हैं, तो प्राइस इन दोनों की है 1799 रुपए। आप दोनों यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है बोट स्टॉर्म काल स्मार्ट वॉच की प्राइस यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई है, तो 2000 या 2400 रुपए हो जाएगी। अब देखा जाए कि आपको कौन सी परचेस करना चाहिए। अगर यहाँ पे देखा जाए कि दोनों स्मार्ट वॉच आपको सेम प्राइस पे मिलता है तो कौन सी आपको परचेस करनी चाहिए, तो मैं तो यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे एम्ब्रेन वॉइस इयोन प्रो स्मार्ट वॉच को परचेस करिएगा। इसकी बड़ी डिस्प्ले जो है देखने को मिल जाएगी, थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर भी निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर बोट को देखा जाए तो इसकी डिस्प्ले थोड़ी सी यहाँ पे छोटी निकल कर आ जाए, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि छोटी डिस्प्ले यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। बाकी अगर इसकी प्राइस अगर 2000 से 2400 रुपए, तब तो इसको लीजिएगा ही मत, तब तो यहाँ पे एम्ब्रेन वॉइस इयोन प्रो को ही परचेस करिएगा। बाकी आपके मन में कोई सवाल या डाउट तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहां पे हम लोग डिटेल में बातें कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी, अगर समझ में आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अनबॉक्सिंग टिप्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।